गंगा जल से आंगन धोया, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा। जय माता दी, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए हम घर बैठे आज के दिन माता रानी की यात्रा की नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आप घर बैठे माँ भगवती की संपूर्ण यात्रा के दर्शन करें, और जो भी जानकारियाँ अभी लेटेस्ट की हैं वो जानकारियाँ अभी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो पहले आप घर बैठे ये देख सकते हैं कि आज के दिन हमें माँ भगवती की इस यात्रा गेट से किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इस यात्रा गेट की, तो हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। पहले आप हाथ जोड़कर घर बैठे माँ भगवती के यात्रा गेट के दर्शन करें। आप सभी को याद होगा कि जब भी आप यहाँ पर पहुँचते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सुंदर व आरामदायक हो, और जब आप यहाँ पर वापस आते हैं तो भी आप माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती दोबारा हमें अपने भवन में बुलाकर एक बार दर्शन करने का मौका ज़रूर दे। तो आप घर बैठे आज के दिन माता रानी के यात्रा गेट से दर्शन कर पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके का रश हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहीं पर हमारे बैगों की चेकिंग होती है, साथ ही साथ हमारी यात्रा पर्ची की भी चेकिंग यहीं पर होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माता रानी की यात्रा में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। अब आप घर बैठे इस मंदिर के भव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि माता रानी की यात्रा में हमें तमाम ऐसे मंदिर मिलते हैं जहाँ पर हम जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी क्लिक कराते हैं। आप सभी इस मंदिर से अपनी यादों को ताज़ा कर रहे होंगे। जब भी आप माँ भगवती की यात्रा में बढ़ते रहते हैं, ये मंदिर से हमारी यादें ताज़ा होती हैं। अब हम आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर के अंदर। घर बैठे हाथ जोड़कर आप सारे देवी देवताओं के दर्शन करें चरण पादुका मंदिर के अंदर से। आप घर बैठे ये दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए कमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर तरीके से हम आप सभी भक्तों को घर बैठे माता रानी के चरण पादुका मंदिर के अंदर से सारे देवी देवताओं के दर्शन करा रहे हैं। और आप सभी माता रानी की यात्रा में जब भी जाते हैं, दूसरा दर्शन आप सभी भक्तों को माता रानी के चरण पादुका का होता है। आप मंदिर में जाते हैं, अंदर चरण पादुका मंदिर के दर्शन करते हैं, साथ ही साथ आप सारे देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं अंदर से हमें मंदिर किस तरीके का दिख रहा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस मंदिर की, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर दिख रहा है, अब आप घर बैठे भगवान शंकर और देवी पार्वती के भव्य दर्शन इस चैनल के जरिए प्राप्त कर रहे होंगे। अब हम आ चुके हैं फिर से यात्रा ट्रैक के पास। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से हमें माता रानी का यह अद्भुत यात्रा ट्रैक दिखता है। घर बैठे आप सामने गीता मंदिर के भी दर्शन करें। हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सभी भक्तों को वीडियोग्राफी के जरिए माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, यात्रा ट्रैक में आने वाले मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा माता रानी की यात्रा ट्रैक पर हमें बहुत सुकून और शांति मिलता है। आप देख लीजिए, देखिए बच्चे पूरी तरीके से यात्रा में अलाउ हो चुके हैं, उनके जो व्हीकल्स हैं वो आपके सामने दिख रहे होंगे। साथ ही साथ यात्रा में आप सभी भक्तों को घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सर्विस भी पूरी तरीके से मिल रही है। आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। आप देख लीजिए यात्रा मार्ग में हमें दुकानें खुली हुई भी मिल रही है। आप चाहें तो जो भी दुकानें से कुछ खरीदना चाहें वो भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे माँ भगवती की यात्रा ट्रैक में हमें दोबारा से पहले जैसे रौनक देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें इन यात्रा की, तो यात्रा पूरी तरीके से 2400 घंटे चल रहा है। यात्रा में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो बस यही समस्या है, कोरोना टेस्ट लेकर जाना, और दूसरी जो समस्या है वो माता रानी की गर्भजून गुफा बंद होने की है। बाकी यात्रा में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए माता रानी की यात्रा कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ दुकानें अभी भी बंद हुई दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादातर यात्रा में दुकानें खुली हुई मिली हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि भक्त जयकारे लगाते हुए माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में सुंदर और सुकून देने वाला माता रानी का यात्रा गेट बहुत ही अद्भुत है। अब आप देख लीजिए कि हम आ चुके हैं काफ़ी ऊपर, और यहाँ पर भी आप सभी भक्तों को भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही होगी। माता रानी की यात्रा में अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर बात करें श्रद्धालु की संख्या की, तो पर डे लगभग 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार तक भी श्रद्धालु माता रानी की यात्रा में आ रहे हैं। देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है। और दोस्तों, आने वाले समय में मुझे पूरा आशा है कि जब ये कोविड टेस्ट हटेगा तो ये साल ऐसा होने वाला है जहाँ पर श्रद्धालु की संख्या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर भक्त माता रानी की यात्रा में सिर्फ कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे। अगर हम बात करें वहाँ पर मौसम की, देखिए दोस्तों मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, मौसम अपने आप में परिवर्तन हो रहा है। अभी मैंने नीचे यात्रा ट्रैक में आपको दर्शन कराए थे, उसका मौसम अलग था। अब आप ऊपर आ गए हैं तो देखिए मौसम किस तरीके का बदल गया है। सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई बदलाव देखने को मिलता है तो मौसम का बदलाव होता है। और घर बैठे आप सभी भक्त हमारे चैनल के थ्रू माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को
सपोर्ट करें, लोगों तक शेयर करें, वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं, हमारी इस फैमिली को और बड़ा करें ताकि और भी भक्त माँ भगवती के दर्शन घर बैठे प्राप्त कर पाए। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की, शुरुआत करते हैं यात्रा में मिलने वाले सेवाओं से। तो अगर आप माता रानी की यात्रा में जाने वाले हैं तो आप सभी को हेलीकॉप्टर सर्विस, रोपवे सर्विस, बैटरी कार सर्विस, सारी सर्विस आप सभी भक्तों को माता रानी की यात्रा में दिखती हुई मिल जाएगी। अगर बात करें घोड़ा पिट्ठू पालकी की तो वो भी सर्विस आप सभी भक्तों को यात्रा में पूरी तरीके से मिल रही है। आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, संख्या भी आप बढ़ती हुई दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप यात्रा में अकेले यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप माता रानी की यात्रा में जा रहे हैं पूरा प्रिकॉशंस मेजर लेकर ही जाएं, सब कुछ का ध्यान रखें क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए आप हर चीजों का ध्यान रखते हुए माता रानी की यात्रा करें। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि बच्चे अलाउ हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे पूरी तरीके से अलाउ हैं, बुजुर्ग भी जा सकते हैं, हर उम्र के लोग माता रानी की यात्रा कर सकते हैं। अगर बात करें कि बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रसाद भी आप पूरी तरीके से चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना होगा। आप देख लीजिए किस तरीके से हमें पूरी तरीके से सेवाएं माता रानी की यात्रा ट्रैक में मिलती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कटरा की, कटरा में भी धीरे धीरे रौनक लौट रहा है, लोग जल्द ही माता रानी की यात्रा पर आने की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सभी भक्तों को हम घर बैठे आज के दिन माता रानी के पावन भवन के सुंदर दर्शन करा रहे हैं। आप हाथ जोड़कर माँ भगवती के इस अद्भुत पावन भवन के सुंदर दर्शन प्राप्त करें और कॉमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस दर्शन को करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लोगों तक पहुँचाएं ताकि और भी लोग हमसे जुड़कर माँ भगवती के पावन दर्शन प्राप्त करें। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यात्रा में आने वाले कोविड टेस्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास कोविड 19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपना टेस्ट घर से करा कर लाएं, और अगर आप घर से टेस्ट नहीं करा पाते तो भी आपका कटरा में टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन पर होगा, अगर आप बस से आते हैं तो लखनपुर में होगा, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप सभी का एयरपोर्ट पर टेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, आपने माता रानी के दर्शन प्राप्त की हो, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अगर हमें अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो जाकर जरूर फॉलो करें, वहां पर हम छोटी छोटी अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।